गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ थर्ड क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट फैक्ट्स. ये आपकी बुक का नाम है फैक्ट्स. ये विंग्स एजुकेशन की है और ये आपकी जीके की बुक है, यानी जनरल नॉलेज. एस्टोनिशिंग एनिमल्स वर्ल्ड. फर्स्ट, आई एवर हर्ड ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स. दे आर द लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स विद लार्ज ईयर्स. देयर ट्रंक परफॉर्म्स मल्टीपल फंक्शंस. Grabbing, feeding, drinking, breathing and greeting each other. इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है, जो हमने सुना है कि धरती पे सबसे बड़े एनिमल है, इनके ईयर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनका जो ट्रंक है, ट्रंक का मतलब होता है सूंड उनकी, वो मल्टीपल फंक्शंस करती है, मतलब बहुत सारे काम करती है. खाना उसी से खाते हैं, पीते पानी उसी से पीते हैं, सांस उसी से लेते हैं और वो जैसे दूसरे एनिमल से मिलते हैं, जैसे दूसरे हाथी से मिल रहे हैं तो वो अपनी सूंड को आपस में मिलाते हैं और जैसे अपन हैंडशेक करते हैं वैसे ही वो अपनी सूंड से है, वो एक दूसरे को अपनी सूंड मिलाते हैं. ग्रास होपर हैव एबिलिटी टू फ्लाई एंड टॉक और इवन प्रिंस. देयर आर ग्रास होपर्स हु have the ability to jump 100 times the length of their body. ये grasshopper कौन होते हैं? टिड्डे, आपने सुना होगा. इनके अंदर उड़ने की, बात करने की और उछल कूद करने की बहुत क्षमता होती है. वो 100 बार जंप कर सकते हैं, यानी उछल कूद कर सकते हैं, कूद सकते हैं और क्योंकि उनकी बॉडी की लेंथ की वजह से. स्पाइडर्स produce silk and make webs to trap prey. They have only tips on legs which save them from being trapped in the webs. हमें सिल्क जो है वो किससे मिलता है? स्पाइडर से. सिल्क क्या होता है? रेशम. एंड मेक वेब्स टू ट्रैप प्रे, और वो अपना शिकार करने के लिए वो जाले बनाते हैं और उनके पाँव में वो चीज़ होती है कि वो खुद उसमें नहीं फंसते. उनके पाँव की ये क्वालिटीज़ होती है कि वो खुद उसमें नहीं फंसते. जैसे आपने देखी होगी मकड़ियाँ, ठीक है, बहुत सारे जाले भी बने हुए होते हैं मकड़ियों की वजह से, अपने घरों में भी होते हैं. हमिंग बर्ड आर टू टाइनी एंड कैन फ्लाई एट अ स्पॉट कंटिन्यूली. दे only have the ability to fly reverse. They are of the size of a bee. Hummingbird का मतलब होता है गुनगुनाना वाला पक्षी, ठीक है, जो कि बहुत छोटा होता है और वो continuously उड़ता है, पर वो जब उड़ता है वो सिर्फ रिवर्स यानी पीछे की साइड में जाता है, पीछे की उड़ान भरता है और वह मधुमक्खी की साइज़ का होता है. वो अपने पंख जो है वो पीछे करके उड़ता है तो उसमें एबिलिटी होती है पीछे उड़ने की, वापस से उड़ने की पीछे की साइड में. जैसे ज़्यादातर तो आपने देखे होंगे जो आगे की साइड जाते हैं, ये पीछे की साइड जाता है. द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड. इट लेज द बिगेस्ट एग्स हैविंग अ वेट ऑफ अबाउट 1400 grams. इसमें ये है कि ये ऑस्ट्रिच किसको बोलते हैं? शुतुरमुर्ग, जो कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है. यह सबसे बड़े अंडे देता है जिसका वजन लगभग 1400 ग्राम होता है, यानी 1400 ग्राम्स होता है. द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मामल ऑन दिस अर्थ. इट्स हार्ट इज एज लार्ज एज द साइज ऑफ कार. कैन यू इमेजिन इट? ब्लू व्हेल जो है वो बहुत बड़ा समुद्री जानवर है, बहुत बड़ी होती है ये, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी होती है, और इसका जो दिल है वो एक कार के जितना बड़ा होता है. एलिगेटर्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्रोकोडाइल्स. द डिफरेंस बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड अ एलिगेटर इज दैट द एलिगेटर हैज़ अ ब्रॉड स्नाउट्स वाइल अ क्रोकोडाइल हैज़ अ लॉन्ग एंड पॉइंटेड शॉर्ट्स. एलिगेटर जो है वो मगरमच्छ की फैमिली से बिलोंग करता है, यानी वो उनकी जाति का है, मतलब जो मगरमच्छ होते हैं उनके जैसा है या उनसे हैं, उनकी फैमिली से हैं, उनके परिवार से हैं. और इनके क्रोकोडाइल और एलिगेटर के बीच में डिफरेंस क्या है कि एलिगेटर जो है
बता दें। और एलिगेटर्स का जो है वो आगे का मतलब नाक के पास का जो जगह होती है वो ब्रॉड होती है, और यही क्रोकोडाइल की लंबी और पॉइंटेड होती है। जैसे देखा होगा आपके क्रोकोडाइल का मुंह एकदम यूँ लंबा और पॉइंटेड होता है। और अब ये आप चैप्टर्स खुद से एक बार रीड करिएगा अपनी मम्मी की हेल्प लेकर।